मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील उद्योगपति के यहां पर कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां से 58 करोड़ रुपए कैश नगद और 32 किलो सोने सहित कुल 390 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति यहां से जब्त की गई है। आयकर विभाग के करीब 300 अधिकारियों ने यहां पर कई ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के ठाणे में एसीबी ने एक निजी स्कूल की लिपिक पर कार्रवाई की है। 43 साल की आरोपी अर्चना पाटिल ने 10वीं पास करने और स्कूल छोड़ने पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5000 रुपये मांगे थे, मगर 3900 रुपये में ये सौदा तय हुआ। और उसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं सिंगर सुनिधि चौहान के खिलाफ शिवसेना की वाहतूक विंग ने मुंबई के ओशिवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सुनिधि चौहान एक कार्यक्रम कर रही हैं जो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना वाहतूक के कार्यकारी अध्यक्ष गफ्फार शेख ने इस पर एतराज जाहिर किया है और शिकायत दर्ज कराई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में है। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने बताया है कि हालात में अभी ज्यादा सुधार नहीं आया है, डॉक्टर अभी उनका इलाज आईसीयू में ही कर रहे हैं। बॉलीवुड में काम दिलाने के नाम पर एक मॉडल के साथ रेप और धमकी देने का मामला सामने आया है। मुंबई की MIDC पुलिस ने शेयर ब्रोकर जिग्नेश मेहता के खिलाफ मॉडल से रेप और उसे धमकाने का मामला दर्ज किया है।